हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सहजन और आलू की सब्ज़ी। सहजन की सब्ज़ी जो होती है, सहजन बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसे अच्छी तरह से बनाया जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो चलिए आज बनाते हैं और आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच। गर्म होने दें तेल को। इसमें जीरा आधा छोटा चम्मच और राई डाला है। तेज पत्ता डाल सकते हैं और थोड़ा सा हींग भी डाला है। जैसे ही हम हींग डालेंगे तो प्याज को डालें। यहाँ पर आप थोड़ी प्याज की मात्रा ज़्यादा रखें। मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाला है। बारीक प्याज डालने से जल्दी से गलता है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है। इन्हें हम भुनेंगे। प्याज जब हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 1 छोटा चम्मच और फिर इसे थोड़ी देर हम पका लेंगे। और जब तक हम अदरक लहसुन को भूनते हैं ना तो हमारा प्याज है थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। बस प्याज जलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अभी थोड़ा अदरक लहसुन हमने भून लिया है तो अब ना इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 से 1.5 छोटा चम्मच डालें और इसी तरह से भून लेंगे मिर्ची को कुछ सेकंड, लेकिन आँच को धीमा रखना है नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। फिर इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब सारे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालें और अब मसालों को पकाएं। मिर्ची मैंने तेल में डालकर इसलिए भुनी है ताकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है मिर्ची भुनने के बाद, और ये नॉर्मल मिर्ची है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/2 छोटा चम्मच सांभर मसाला। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इससे इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब मसाले को अच्छी तरह से हम भुनेंगे और ढक कर भुनें तो इसका जो एरोमा है बाहर नहीं निकलता। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। देखिए तेल बिल्कुल छोड़ चुका है और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर डालें या 3 मीडियम साइज़ के, और इसमें नमक डालेंगे हम तुरंत। और अब टमाटर को गलने के लिए ढक कर पकाएँगे। 2 से 2.5 मिनट आप ढक कर इसे पका लीजिए, अच्छी तरह से ही गल जाता है। और ये टमाटर जो है हमारे अभी थोड़े गल गए हैं और इसे हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। हमने जो इसमें सांभर मसाला डाला है ना, उसकी बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है। और अब इसमें मैंने ड्रम स्टिक डाला है। ड्रम स्टिक जो होता है ना, उसको आप साइड साइड से उसके जो रेशे होते हैं, हार्ड होते हैं, उसे निकाल लेना चाहिए और हमेशा पतले और ताज़े ड्रम स्टिक का चुनाव करें। बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट सा ड्रम स्टिक आता है, जूसी भी बनता है। बहुत मोटे और सूखे सूखे ड्रम स्टिक कभी भी ना चूज़ करें। तो अभी हम कुछ देर ड्रम स्टिक को पकाएंगे, तो ढक कर रख दीजिए 2.5 से 3 मिनट में। ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में चलाते रहें ताकि आपके मसाले जले ना। और ये देखिए अभी काफ़ी हद तक हमारे ड्रम स्टिक भी पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने काट कर डाला है। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं तो क्या कर सकते हैं कि ड्रम स्टिक को अलग से बॉईल करके मिला दें, नहीं तो आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है तो इस तरह से पकाइए, बहुत ही मज़ेदार बनती है सब्ज़ी। और आपने देखा मैंने आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया है, इस तरह से करने से बहुत अच्छा रहता है। और अब इसमें ग्रेवी के लिए मैंने 1 से 1.5 कप पानी भी डाल दिया है। वैसे आप अपने हिसाब से डालें कितना थिक या पतला आपको चाहिए ग्रेवी। और अब हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे ढककर। और यहाँ पर मेरी जो करी है वो तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए वैसा इसकी कंसिस्टेंसी भी आ गई है। गैस को मैंने अब यहाँ पर बंद कर दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ये हमारा ड्रम स्टिक यानी सहजन की सब्ज़ी तैयार है। बहुत पौष्टिक भी होता है। आप आलू ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनाइए और इसे एंजॉय करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी इसका फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।